हेलो एवरीवन, आज से एक मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने लिखा है MPSC इन 3 मंथ्स। ये मेरे लिखने का मतलब ये है कि आप सबको पता है, कोविड के कारण हम सबकी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ ही साथ MPSC की भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो कोविड के कारण जैसे कि हम सबकी एग्ज़ाम मैंने कहा पोस्टपोन्ड हो गई है, हमारे पास काफ़ी समय है। तो अगर हम चाहें प्रॉपरली एक एक दिन को डिवोट दिए, तो हम लोग 90 डेज़ में जो आपके सामने स्क्रीन पर ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स भी, हम लोग इसको प्रॉपरली कवर अप कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर प्रॉपरली जैसा जैसा मैं कहूँगा उस हिसाब से अगर आपने डेली मेरे लेक्चर्स को देखा, तो आई एम श्योर कि आपका MPSC का, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंबाइन की एग्ज़ाम करते हैं। कंबाइन में क्या होता है कि महाराष्ट्र के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, हालांकि जो ग्रुप ए सर्विस रहती है उसमें महाराष्ट्र तो रहता है, लेकिन प्रिलिमिनरी में काफ़ी कम मात्रा में रहता है, इंडिया का ज़्यादा उसमें पूछते हैं। तो मेरा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस ये है कि जैसे मैंने आपको कहा मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट की है। और जब मैंने देखा कि MPSC के तरफ भी मुझे जाना चाहिए, तो MPSC के जो नोट्स या लेक्चर्स हम लोग जो कहते हैं वो YouTube पर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं रहते हैं। ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि मराठी मीडियम में ही इसके लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। तो बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश मीडियम में MPSC की कंबाइन एग्ज़ाम देना है या MPSC ग्रुप ए सर्विस भी जिनको देना है, उन लोगों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं इस सीरीज़ को प्रॉपर 3 महीना चलाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे कि ये हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री में आपने अगर पेपर देखा होगा लास्ट 3-4 साल के, तो उसमें सोशल रिफॉर्मर ज़्यादातर पूछते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो 15 अगर क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन MPSC के कंबाइन में आपको सोशल रिफॉर्मर पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा 1857 का रिवोल्ट से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कौन थे, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कौन से महाराष्ट्र में हुए, कौन से मुंबई में हुए, ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस। उसके अलावा बुक्स, कौन से रिफॉर्मर ने कौन सी किताबें लिखी हैं, न्यूज़पेपर, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से हमारे महाराष्ट्र से और इंडिया से भी ऑल ओवर, जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। इस तरह के टॉपिक हम लोग हिस्ट्री में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे आसपास ही होती है, बट हम उसको प्रॉपर देख नहीं पाते या प्रॉपर उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उसमें रट्टा बहुत करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ज्योग्राफी ट्रिक्स के ज़रिए बताने की। और इसमें हम लोग रिवर्स देखेंगे, जैसे कि गोदावरी रिवर्स, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, इस तरह की जो नदियाँ जो स्पेशली महाराष्ट्र से बहती है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, ठीक है, वो किस जगह से बह के निकलती है। जैसे गोदावरी की बात की जाए तो जिसका उगम नासिक में होता है, तो ये यहाँ से हम लोग बेसिकली सारी चीज़ें मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैप, महाराष्ट्र को अगर आप देखते हो तो महाराष्ट्र में अगर आपने किसी ने भी आपसे पूछा कि यार लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये मैप देख के बता, तो आपको वो मैप देख के समझ में आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मैप के ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। उसके बाद वाटरफॉल्स, फोर्ट, डैम्स, माउंटेन्स, पीक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा। अगला है पॉलिटी।
अब YouTube पर आपको पॉलिटी के ढेरों लेक्चर्स मिलेंगे, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं यहाँ पे पॉलिटी आपको प्रॉपर जो पार्लियामेंट, लोकसभा ये सब नहीं पढ़ाऊँगा, ये सब आपको YouTube पे काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। मैं आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़्यादा पढ़ाना प्रेफर करूँगा, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, BDO कौन होता है, ग्राम सेवक कौन होता है, तलाटी कौन होता है, सरपंच कौन होता है, उनके बारे में। क्योंकि अभी ट्रेंड क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज ज़्यादा हो रहा है, आपको गांव के बारे में, पंचायत के बारे में, म्यूनसिपालिटी के बारे में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चलता है अभी अनएम्प्लॉयमेंट का, सेवियर प्लान, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, इस तरह की चीज़ों को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली ये चार चीज़ों के इर्द गिर्द में इस 3 महीनों में आपको प्रॉपर पढ़ा दूँगा। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो आपके साथ साथ मैं खुद भी उस चीज़ों को डेली कवर अप करूँगा। मेरा बस ये सीरीज़ स्टार्ट करने का पर्पस है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश मीडियम में MPSC देने की इच्छा है लेकिन जिनके लिए सोर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर इंग्लिश है तो पूरा इंग्लिश में ही बात करूँगा, नो। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मैं हिंदी में आपको ये पूरा बता रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में मराठी में भी इसको बताने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कवर अप इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, और बीच बीच में मैं इसको हिंदी में भी समझाते रहूँगा, ठीक है। मेरा जो ये सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एकदम कुछ ग्राफिक्स ये वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं जितना हो सके सिंपल और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका काम ये रहेगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसको प्रॉपर सुनना, उसको एक बार वीडियो को रिपीट देखना, दोबारा उसको 2 टाइम स्पीड में दोबारा देखना। मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2 लेक्चर्स लेने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेता हूँ तो कल मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और परसों फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरीके से मैं चलने की कोशिश करूँगा। कभी कभी लेक्चर्स बीच में नहीं भी आ सकते हैं, या किसी दिन एक दिन में एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि मैं बट एज अ एस्पिरेंट के तौर पे मैं खुद भी पढ़ूंगा और आपको भी ये मेरा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब आता है अगला टॉपिक, करंट अफेयर्स। देखो, अब करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इतने बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो शायद ही कई और सोर्स या कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप उतने स्मार्ट हो कि आप करंट अफेयर्स को प्रॉपरली देख सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि MPSC के मुताबिक जो लास्ट के 2-3 सालों में जिस तरीके से सवाल आए हैं, उसके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। जैसे कि भारत रत्न के बारे में बताओ, नोबल प्राइज़ के बारे में बताओ, रैमसे मैकडोनल्ड, जो अभी जो अवार्ड्स जो चले हैं काफ़ी सारे, जो रवीश कुमार को मिला है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कवर अप करना चाहूँगा, और आप तक ये नॉलेज बस पहुँचाना था मुझे। अभी इस टॉपिक के बाद मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी का आपको एक लेक्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्राम पंचायत पे दूँ। इट्स टोटली अप टू यू गाइज़, आप इस लेक्चर को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ग्रैब कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये लेक्चर मेरे काम का नहीं है, जिस सोर्स से मैं पहले से पढ़ रहा हूँ उसी सोर्स से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। कोई भी सोर्स एक ही रखिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, इसके बाद मैं एक पॉलिटी का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो हम लोग उसके बारे में आगे जिस तरीके से लेक्चर्स आएंगे तब हम लोग शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।